Hey, hi, hello everyone. So today we are going to start with a new topic, right? And let me remind you कि last time हम लोगों ने क्या किया था. So last time हम लोगों ने सबसे जो start किया था वो complete solution का, right? And we talked about the complete solution for system of equation Ax is equals to b, right? उसमें हम लोगों ने बात किया कि कैसे हम लोग we can find the complete solution is a sum of the स्पेशल सॉल्यूशन प्लस द पर्टिकुलर सॉल्यूशन एंड वी सॉ कि कैसे उसको फाइंड करना है, राइट. वी हैव द सिस्टमेटिक वे टू फाइंड द कम्प्लीट सॉल्यूशन, राइट. एंड वी टॉक लॉट ऑफ थिंग, राइट. आफ्टर दैट वी सॉल्व द प्रॉब्लम, राइट. सो व्हाट्स द टुडे एजेंडा. सो टुडे आज के सेशन में हम लोग क्या करने वाले हैं ना, सो आज के सेशन में बेसिकली हम लोग स्टार्ट करेंगे इंडिपेंडेंस ऑफ वैक्टर एंड आफ्टर दैट वी विल बी टॉकिंग अबाउट बेसिस ऑफ ए वैक्टर स्पेस एंड आफ्टर दैट वी विल बी टॉकिंग अबाउट द dimension of a vector space, right. So let me just go through it, that what are those things, and then we will go in more detail, right. So the first point is that we are going to look at the independence of a vector, right. So this is not a new things to us, right. ये हम लोगों के लिए नया नहीं है, right. हम लोग क्या करते हैं, simply मुझे पता है कि अगर सो फर्स्ट ऑफ ऑल सो अभी मैं लेक्चर स्टार्ट करूंगा तो फर्स्ट थिंग वी विल लुक एट द इंडिपेंडेंस ऑफ वेक्टर, राइट. सो और व्हाई वी आर लुकिंग एट द इंडिपेंडेंस ऑफ वेक्टर, राइट. क्योंकि देखो सबसे पहली बात कि अब जब वेक्टर स्पेस में देखो, वेक्टर स्पेस में आपके पास क्या है, इनफाइनाइट मैनी वैक्टर्स है, राइट. बट जो वैक्टर स्पेस का निर्माण हो रहा है और आप समझो जो वैक्टर स्पेस, तो वी डू नॉट नीड ऑल दोज वैक्टर. इफ़ वी हैव द बेसिस ऑफ अ वैक्टर स्पेस और सो दोज बेसिस विल बी, मतलब वो जो बेसिस वैक्टर में जो बेसिस वैक्टर होंगे ना, वही जो है आप एक तरह से समझो कि वैक्टर स्पेस के फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, राइट. अगर वो पर्टिकुलर वैक्टर आपके पास है, दैट मीन्स कि आपके पास वैक्टर स्पेस है. That means कि आपके पास वेक्टर स्पेस का हर एक वेक्टर है, राइट. सो इन वेक्टर स्पेस वी विल बी लुकिंग दोज काइंड ऑफ वेक्टर एंड वी विल कॉल दोज सेट ऑफ वेक्टर एज अ बेसिस ऑफ अ वेक्टर स्पेस, राइट. एंड दोज वेक्टर्स इज गोइंग टू बी द इंडिपेंडेंट, राइट. जो भी बेसिस के सेट में आएगा ना वेक्टर्स, वो सारे वेक्टर्स इंडिपेंडेंट होंगे, राइट. एंड वी विल बी लुकिंग दोज वेक्टर्स, राइट. Once we have those vector, that means we have the complete vector space, or you can say whatever we have the required vector space, right. So in the basis set you will have the required vectors, right, and those vectors will be independent, right. So that is why we are going to first look at what is the independence of vector. After that we will look at the basis of a vector space. And once we know the basis of a vector space, then we know the dimension, right? So these are the points that we are going to look in today's session. So let's start with the today's session. Okay, so let's start with this chapter, independence, basis and dimension. So today we will be mainly focus on the independence, and this is not the new thing that we are going to talk, right? So सबसे पहली बात तो देखो, मैं एक जो कि आपको ऑलरेडी से नोन है, राइट, उसको आपको याद दिलाता हूँ. अगर मैं इस सिस्टम का बात करूँ, ए एक्स इज इक्वल्स टू जीरो, राइट. इफ़ आई टॉक अबाउट दिस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, दैट इज़ ए एक्स इज इक्वल्स टू जीरो. तो अगर इस मैट्रिक्स का जो कॉलम्स होगा, लेट्स अज्यूम करो सी वन सी टू सी थ्री है, राइट. सो अगर इस मैट्रिक्स का कॉलम डिपेंडेंट होगा, मान लो कि सी थ्री जो है दैट इज सम लीनियर सम इस जैसे कि सम स्केलर से आपको भी मल्टीप्लाई कर दो, मान लो कि सी थ्री जो है वो अल्फा टाइम्स सी वन है, राइट. सो दैट मीन्स कि सी थ्री इज डिपेंडिंग ऑन दिस कॉलम वेक्टर सी वन, राइट. सो मेरा पॉइंट ये है ना कि अगर मैट्रिक्स ए में आपके पास अगर कोई डिपेंडेंसी दिखता है कॉलम्स में, कॉलम वेक्टर में, देन व्हाट यू विल कमेंट ऑन दिस द सॉल्यूशन, इज इट द ओनली
जीरो वेक्टर दैट विल प्रोड्यूस दिस लीनियर कॉम्बिनेशन एज जीरो, और डू वी हैव एनी अदर नॉन जीरो वेक्टर दैट विल प्रोड्यूस दिस लीनियर कॉम्बिनेशन एज अ जीरो वेक्टर। सो बेसिकली हम लोग के पास, अगर देखा है हम लोगों ने, अगर मेरे पास डिपेंडेंसी है कॉलम में, दैट मीन्स कि आई विल हैव दिस एक्स दैट विल बी अ नॉन जीरो एंड दैट विल प्रोड्यूस द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द कॉलम्स ऑफ ए टू जीरो, राइट। तो बेसिकली क्या है कि अब देखो मैट्रिक्स में जो आपका ये सब जो वेक्टर है, जो भी कॉलम वेक्टर है, वो भी तो वेक्टर्स ही हैं सारे, ठीक है। तो हम लोग बेसिकली क्या देख रहे हैं कि जो कॉलम्स का लीनियर कॉम्बिनेशन लेने से, अगर कोई नॉन जीरो लीनियर कॉम्बिनेशन ले रहे हैं, तो अगर मेरे पास उससे जीरो मिल रहा है, दैट मीन्स कि वो कॉलम्स जो होंगे, जो भी वेक्टर्स होंगे, वो लीनियरली डिपेंडेंट होंगे, राइट। सो ये चीज़ हम लोगों ने देखा था। तो लेट मी जस्ट राइट दिस एज अ डेफिनेशन, राइट। सो आप अगर, सो हम लोग क्या बात कर रहे हैं, इंडिपेंडेंस ऑफ फैक्टर, राइट। सो अभी जो मैंने बोला उसी सेम चीज को मैंने लिखा कि द कॉलम्स ऑफ ए आर लीनियरली इंडिपेंडेंट व्हेन द ओनली सॉल्यूशन टू ए एक्स इज इक्वल टू जीरो इज एक्स इज इक्वल टू जीरो। मतलब कि अगर आप ए मैट्रिक्स ए टाइम्स वेक्टर जीरो जीरो करोगे, सो डेफिनेटली यू विल गेट दिस जीरो, राइट। सो अगर आपके पास ये जो एक्स है, आपको एक्स कोई एक ऐसा वेक्टर मिल रहा है जो कि नॉन जीरो है, राइट, मे बी समथिंग लाइक 1 2 0 इस तरह का कुछ मिल रहा है, तो ये क्या है, नॉन जीरो वेक्टर है, राइट। अगर कुछ एक्स ऐसा मिल रहा है जिसको कि अगर आप लीनियर कॉम्बिनेशन लोगे कॉलम्स ऑफ ए के साथ, इफ़ दिस कॉम्बिनेशन इज गिविंग यू दिस जीरो वेक्टर, देन द कॉलम्स ऑफ दिस मैट्रिक्स ए विल हैव सम डिपेंडेंसी, राइट। बट अगर आप के पास एक ही ऐसा कॉम्बिनेशन है एंड दैट इज ओनली जीरो वैक्टर, राइट, इफ़ यू हैव दिस जीरो वैक्टर ओनली, देन इन दैट केस यू कैन से दैट जो भी जो कॉलम्स होंगे वैक्टर, कॉलम वैक्टर होंगे मैट्रिक्स ए का, वो क्या होगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। सो when the solution to x equals to 0 is x equals to 0, no other combination of ax of the columns of a gives the zero vector. Apart from 0 के अलावा कोई भी other combination अगर 0 नहीं produce कर रहा है, कौन नहीं produce कर रहा है, linear combination of columns of a, right, अगर वो produce नहीं हो रहा है किसी भी non-zero से apart from this 0, then you can say that the columns of A will be independent, right? अगर इसको मैं एक लाइन में बोलूँ ना, इतना ना बोल करके, तो आपके जो नल स्पेस में होगा ना, नल स्पेस में जो भी वेक्टर होगा, that will be only zero vector, right? If this is the case, कि नल स्पेस में अगर आपका only zero vector है, then you can say that कि कॉलम्स जो होगा, कॉलम्स ऑफ ए आर लीनियरली इंडिपेंडेंट, राइट। और क्या बोल सकते हो आप, और या नहीं तो मतलब कि नल स्पेस में एक भी नॉन जीरो वेक्टर नहीं है, मतलब कि मेरे पास जितने भी कॉलम्स हैं सारे वो क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है, मतलब कि सारे में मेरे को पिवट मिलेगा, राइट। और एक वर्ड में इसको बोलना हो तो मेरे पास फुल कॉलम रैंक होगा मैट्रिक्स, और इसी को आप बोल सकते हो और ए इज फुल कॉलम रैंक मैट्रिक्स। फुल कॉलम रैंक मैट्रिक्स का कहने का मतलब क्या है कि हर एक कॉलम में आपको जो है पिवट मिलेगा। सो दिस इज़ वॉट वी हैव सीन सो फार, राइट, कि हम लोग क्या करते हैं, मेरे पास अगर बंच ऑफ वैक्टर है, सो उस वैक्टर को हम लोग, उस वैक्टर से हम लोग मैट्रिक्स ए का
फॉर्मेशन करते हैं, राइट। हम क्या करते हैं, सिंपली जितने भी वेक्टर्स उसको एज ए कॉलम हम पुट कर देते हैं इन मैट्रिक्स ए, राइट। अब सेम चीज को आप, सेम डेफिनेशन को वी कैन लुक इन जनरल वे और यू कैन से इन मोर फॉर्मल वे, तो लेट मी राइट दैट डेफिनेशन। और जितने भी बुक्स वगैरह अभी देखोगे आप, तो वो एक तरह से आप समझो कि वो फॉर्मल डेफिनेशन है, एंड मीनिंग ऑफ बोथ विल बी द सेम, राइट। सो दिस डेफिनेशन टू यू कैन से इज इन मोर जनरल वे, राइट। बिकॉज फर्स्ट डेफिनेशन में क्या है कि हम लोग ओनली, वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट द वैक्टर्स, राइट। नाउ हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द वैक्टर इन टर्म्स ऑफ, बिकॉज ये देखो, ये सेट जो वैक्टर्स होता है ना, वो किसी का भी हो सकता है, राइट। हम लोगों ने देखा था कि वैक्टर स्पेस में वी कैन मैप द मैट्रिसेस टू वैक्टर, राइट। वी कैन मैप द फंक्शंस टू अ वैक्टर, राइट। अगर वो जो बेसिक है, बेसिक ऑपरेशंस है वैक्टर्स के, बेसिक ऑपरेशंस को फॉलो कर रहे हैं, देन वी कैन टेक एनी थिंग एज अ वैक्टर, राइट। सो और उनके सेट, जो भी सेट होगा, तो ये सेट ओवरऑल पॉइंट क्या है ना कि ये सेट कुछ किसी का भी हो सकता है, राइट। सो इन जनरल व्हाट्स द डेफिनेशन ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ ए वैक्टर, सो अगर आपके पास सेट ऑफ वैक्टर्स है, राइट, एंड दोज वैक्टर्स कुड बी एनी थिंग, राइट। सो फ्रॉम द, इट कुड बी फ्रॉम एनी काइंड ऑफ वैक्टर स्पेस, राइट। सो द सेट ऑफ वैक्टर इज लीनियरली इंडिपेंडेंट इफ ओनली कॉम्बिनेशन दैट गिव्स द वैक्टर, दैट गिव्स द जीरो वैक्टर, दैट इज जीरो टाइम्स वी वन प्लस जीरो। सो बेसिकली देखो, कहने का कुछ नहीं मतलब है, यहाँ पे देखो आप क्या कर रहे हो। अगर आप जब कोई भी ये वैक्टर है आपका, राइट, सो वी देखो, अगर आप ए टाइम्स एक्स लिखते हो, ए टाइम्स एक्स, राइट। सो ए में आपके पास कॉलम्स रहते हैं इस तरह से, ठीक है, टाइम्स एक्स लिखते हो, इसका मतलब क्या है, आप लीनियर कॉम्बिनेशन ले रहे हो, राइट। आपके पास कोई भी मैट्रिक्स ए है, सी वन सी टू सी थ्री, और यहाँ पे एक्स है एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री। सो इसको आप किस तरह से देखते हो, मैट्रिक्स टाइम्स वैक्टर मल्टीप्लीकेशन, राइट, एंड हाउ वी सी दिस थिंग एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन। और लीनियर कॉम्बिनेशन होता क्या है, आपने फर्स्ट वेक्टर को एक्स वन से स्केल किया, सेकेंड वेक्टर को आपने एक्स टू से स्केल किया, राइट, फिर थर्ड वेक्टर को आपने एक्स थ्री से स्केल किया, राइट, फिर सबको ऐड कर दिया। सो दिस इज़ व्हाट द लीनियर कॉम्बिनेशन इज, राइट। सो जो सेकेंड, तो ये जो लिखा हुआ क्या है, सेम चीज़ लीनियर कॉम्बिनेशन ही लिखा हुआ है। सो नाउ सिंस वी आर टॉकिंग इन जनरल, सो कोई ज़रूरी नहीं है कि हम वैक्टर्स को जो है मैट्रिक्स से रिप्रेजेंट करें। सो अगर मेरे पास सेट ऑफ वैक्टर्स है, सो अगर मैं उनका लीनियर कॉम्बिनेशन लूँ, मैं क्या करूँ, वी वन को स्केल कर दूँ एक्स वन से, वी टू को स्केल कर दूँ एक्स टू से, वी थ्री को स्केल कर दूँ एक्स थ्री से, एंड आफ्टर दैट सबको ऐड कर दें, तो दिस इज़ व्हाट द लीनियर कॉम्बिनेशन। अगर इसका लीनियर कॉम्बिनेशन लेने के बाद जितने भी वैक्टर्स हैं मेरे पास, वी वन से लेकर के वी वन वी एन तक, मैंने सबका लीनियर कॉम्बिनेशन ले लिया, एंड ये जीरो कब हो रहे हैं, इन ओनली वन, अगर ये जीरो जस्ट बिकॉज कि ये जितने सारे कोफिशियंट हैं और जितने सारे ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन है वेक्टर के साथ जो मैंने किया, वो अगर सारे जीरो हैं, दैट मीन्स कि, और सिर्फ इसी केस के लिए है, मतलब कि नो किसी भी नॉन जीरो के लिए ये जीरो नहीं मिल रहा है मुझे, सिर्फ आई एम गेटिंग जीरो ओनली when all these scalar multiplication are zero, then in that case I can say that all these vectors are independent, right? So यही है, अगर आप, आपके पास जो solution है that is x, that is only the zero vector, और is only because of this you are getting zero, only because of this you are getting zero, दैट मीन्स कि जो वी वन वी थ्रू जितने भी वैक्टर्स हैं आपके सेट में, दो आर द लीनियरली इंडिपेंडेंट, राइट। बट अगर ऐसा केस होता, कि ऐसा केस होता, मान लो कि आपने टू टाइम्स वी वन किया प्लस टू टाइम्स वी टू किया, मे बी फाइव टाइम्स वी थ्री किया, एंड माइनस टाइम्स ऑफ मान लो एट टाइम्स वी फोर भी फोर कर दिया, राइट। तो यहाँ पर देखो, ये सारे कोएफिशिएंट क्या है, नॉन जीरो हैं, राइट। सो इन दैट केस आपके पास एक ऐसा नॉन जीरो कॉम्बिनेशन है वेक्टर्स का,
जो कि आपको जीरो प्रोड्यूस कर रहा है। सो इन दैट केस जो वी वन वी टू वी थ्री जो भी वैक्टर्स होंगे वो सारे इंडिपेंडेंट नहीं होंगे, राइट। कुछ वैक्टर्स ऐसे होंगे जो कि मे बी वो अदर वैक्टर्स पे डिपेंडेंसी दिखा रहे होंगे, राइट राइट। सो ओवरऑल पॉइंट आपको समझ में आ गया, राइट। सो दिस इज व्हाट द डेफिनेशन ऑफ द वैक्टर ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ वैक्टर्स, राइट। सो अगर मैं एक लाइन में बोलूँ ना तो आपको सिर्फ सॉल्यूशन अगर ax इज इक्वल टू जीरो के लिए अगर सिर्फ जीरो सॉल्यूशन मिल रहा है, जीरो वेक्टर सॉल्यूशन मिल रहा है, दैट मीन्स कि a का जितना भी कॉलम वेक्टर होगा वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा, राइट। सेम चीज़ को सेम डेफिनेशन को हम लोगों ने इस और भी जनरल वे में देखा। सो अगर आपके पास बंच ऑफ वेक्टर है, अगर आप उसका लीनियर कॉम्बिनेशन ले रहे हो, राइट, और एक ही लीनियर कॉम्बिनेशन एग्जिस्ट कर रहा है एंड दैट इज ओनली वन, और जो वो लीनियर कॉम्बिनेशन है दैट इज जीरो जीरो जीरो, अगर सिर्फ इसी केस के लिए आपको जीरो मिल रहा है जहाँ पे कि सारे कोफिशिएंट जीरो हैं, राइट, देन इन दैट केस ऑल दीज वेक्टर्स आर लीनियरली इंडिपेंडेंट, राइट। ओके,